वेलकम टू राइट वे इंस्टीट्यूट। इस पार्ट में आपको बताऊंगा एडजेक्टिव के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ रूल्स है वो। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने कवर करे थे जो आपका एडजेक्टिव है क्या होता है और एडजेक्टिव कितने टाइप्स की होती है। क्या इस पार्ट में आपको बताऊंगा एडजेक्टिव बेस पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। जैसे जो हमारा पहला रूल है वो क्या है, पहला आपका रूल है मैं बताता हूँ, रूल नंबर 1, यूज ऑफ सम एंड एनी। मतलब सम का यूज कहाँ पे करते हैं और एनी का यूज हम कहाँ करते हैं। क्या सम को हिंदी में कहा जाता है, क्या मैं यहाँ पे हिंदी में बता देता हूँ, सम को कहा जाता है कुछ और एनी को कहा जाता है कोई। क्लियर, ये तो हिंदी होती है, इसकी कॉमन सी है, सबको पता होता है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा बताने के लिए होता है। जैसे अगर सम को आपको यूज करना अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला क्या, आई हैव सम मनी, जो आपका मनी है यहाँ पे ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले हम क्या लगाते हैं, सन। क्लियर, आई हैव सम मनी या आई हैव सम वाटर, विल यू हैव सम वाटर, मतलब जो चीज आपकी सिंगुलर अनकाउंटेबल होती है उससे पहले हमें सम लगाना होता है, या फिर जो चीजें काउंटेबल होती है उनसे पहले। जैसे मैंने बोला क्या, सम बुक्स सम स्टूडेंट्स, वी आर गिविंग सम ब्लैंकेट्स, हम कुछ ब्लैंकेट्स दे रही है, तो आपका जो यहाँ पे ब्लैंकेट्स है, कंबल होता है, ये आपका काउंटेबल है, तो काउंटेबल, और ये प्लूरल भी है तो प्लूरल काउंटेबल से पहले भी हम सम लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सम बुक्स सम स्टूडेंट्स। क्लियर, ये तो था आपका सम का। अब हम बात करते हैं किसकी, एनी का। मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज होता है, अगर आपको एनी का यूज करना हो तो एनी हम यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं डू यू हैव एनी बुक, एनी आपका यूज होता है एक तो आपका नेगेटिव सेंटेंस में और एक आपका यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर, जैसे मैंने यहां पे बोला डू यू हैव एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई बुक है, तो यहां पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर, या तो आप नेगेटिव में भी यूज कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी बुक। क्लियर, नेक्स्ट है आपका क्या, यूज ऑफ मच एंड मैनी। अब मच का प्रयोग और मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये देख लीजिए। तो जो आपका मच होता है और मैनी होता है, यूज ऑफ मच, मच का यूज क्वांटिटी बताने के लिए, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा को बताने के लिए बहुत अधिक के अर्थ में सिमिलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मतलब मच का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। जैसे मैंने बोला क्या, मुकेश अंबानी हैज मच मनी, मुकेश अंबानी हैज मच मनी, यहां पे इसका मतलब क्या है कि मुकेश अंबानी के पास बहुत अधिक पैसा है। क्लियर, जैसे मैं बताया था आपको मुकेश अंबानी हैज मच मनी, तो यहाँ पे जो आपका मच है ये क्या बता रहा है, ये शो कर रहा है कि बहुत अधिक पैसा होना, जैसा कि आपको पता है मुकेश अंबानी पर बहुत अधिक पैसा है। या हम बोल सकते हैं क्या, द गंगा हैज मच वाटर, मतलब कोई भी चीज जो सिंगुलर अनकाउंटेबल होती है उससे पहले आपको मच लगाना होता है। क्लियर, अब हम बात करते हैं मैनी की, मैनी क्या होता है, सॉरी सिंगुलर अनकाउंटेबल जो चीजें होती है उससे पहले आपको मच लगाना होता है, मच मनी मच वाटर। यूज ऑफ मैनी, मैनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है।
देखिए, जो आपको मैनी यूज करना होता है वो कहाँ पे यूज करते हैं हम, जो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे स्टूडेंट्स, बॉयज, फ्लैट्स, ये सारे आपके काउंटेबल नाउन है और ये क्या है, प्लूरल। तो इससे पहले आपको मैनी लगाना है ना कि मच। अगर आपने ये लिखा मच बॉयज, बहुत अधिक बॉय, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया, मच का प्रयोग हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, जैसे मच मनी एंड मच वाटर। क्लियर? सिंगुलर और प्लूरल अगर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले क्या यूज करते हैं, मैनी, ना कि मच। क्लियर? एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता। क्लियर? ये चीज को ध्यान रखना हमेशा, कभी भी ऑब्जेक्ट के पहले मच, मतलब आपका स्ट्रक्चर कभी भी मच मैनी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर कभी भी फॉलो नहीं होता सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। क्लियर? नोट नंबर सेकंड, मैनी और मैनी एन का प्रयोग अनेक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। मैनी ए का मतलब क्या होता है और मैनी एन का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। क्लियर? बट इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। और इसके साथ वर्ब कौन सी आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो वर्ब आती है वो आपकी होती है सिंगुलर वर्ब, जैसे मैनी अ स्टूडेंट होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैनी अ स्टूडेंट्स, तो ये आपका गलत है यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैनी अ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपका वर्ब कौन सा आता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या होगा इसका, मैनी अ स्टूडेंट होगा। क्लियर? मैनी अ स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पे अगर मैं ये लिखता मैनी स्टूडेंट्स, अगर मैनी स्टूडेंट्स लिखता मैं तो आपका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल सही होता, बट अगर आपने ए लगा दिया तो वहां पे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। क्लियर? जितने भी कंसेप्ट से मैं आपको बता रहा हूँ सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसे देखिए, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पार्ट्स मतलब टाइप्स कितने होती हैं। रूल नंबर थर्ड, यूज ऑफ द लिटल, अ लिटल, लिटल। देखिए द लिटल क्या होता है, जो कुछ है थोड़ा सा या जो कुछ है सबका सब। क्लियर? अब इस चीज को देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका जो लिटल होता है और एक होता है क्या, फ्यू। जो लिटल होता है ये हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और जो आपका फ्यू है वो करते हैं हम काउंटेबल नाउन से पहले। क्लियर? अब इसमें द लिटल की बात करते हैं हम, तो द लिटल का मतलब क्या होता है, जो कुछ है थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ क्या, आई स्पेंड द मनी आई हैड, मतलब इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए मेरे पास महीने के लास्ट में 500 रुपये बचे थे और वो सारे के सारे पैसे मैंने, काफ़ी कम अमाउंट है, सारा मैंने खर्च कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आई स्पेंड द मनी आई हैड, मतलब जितना भी पैसा मेरे पास बचा हुआ था सबका सब हमने। क्लियर? तो जैसा मैं आपको बता रहा था, तो यहां पे ना आपको द, ये जो द मनी है क्या शो कर रहा है, ये यहां पे आपका ये शो कर रहा है कि जितना भी पैसा आपके पास बचा हुआ था सबका सब। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल है, ही एट ऑल द केक विच वॉज लेफ्ट, उसने सारा केक खा लिया जो भी बचा हुआ था। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये बर्थडे में केक था, इतना पार्ट खत्म हो चुका है, ये आपका इतना पार्ट बचा हुआ है, तो ये कह रहा है क्या, ही एट ऑल द केक विच वॉज लेफ्ट, मतलब सबका सब केक जो बचा हुआ था वो सारा इसने खा लिया। क्लियर? इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट आप ध्यान से देखिए, द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। क्लियर? जैसे केक आपका अनकाउंटेबल है, मनी आपका अनकाउंटेबल है, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, जो लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है और फ्यू आपका काउंटेबल नाउन से पहले। क्लियर? द लिटल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या, अ लिटल। अब देखिए अ लिटल का मतलब क्या होता है, अ लिटल होता है थोड़ा सा या कम से कम के अर्थ में संख्या बताने के लिए। जैसे अ लिटल नॉलेज, मतलब थोड़ा सा या थोड़ा कम, काफी। अ लिटल वाटर, और एक चीज ऐसा मैं आपको बता रखा है मैंने क्या, ये लिटल यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो अ लिटल नॉलेज इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ।
little knowledge of science helped him in getting job. मतलब कि जो साइंस की उसके पास थोड़ी सी नॉलेज थी उसने उसकी काफ़ी हेल्प करी एक जॉब लेने में. क्लियर? तो अ लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा या काफ़ी कम. लिटिल का प्रयोग देखिए कैसे किया जाता है. लिटिल का प्रयोग होता है क्या? नहीं के बराबर के रूप में होता है. जैसे कोई चीज़ अगर बिल्कुल नहीं है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ये पानी ले रखा है, ठीक है, ये सारा पानी है. अगर मैं बात करूँ जस्ट इतने पार्ट की, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लिटिल वाटर, लिटिल इंक, लिटिल मिल्क. जैसे एक ग्लास है, क्लियर, इस पूरी ग्लास में मिल्क बस इतना सा है, तो आप क्या कहेंगे? द ग्लास हैज लिटिल मिल्क या लिटिल वाटर. मतलब काफी कम या नेगेटिव होता है. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे क्या? यूज ऑफ द फ्यू, अ फ्यू एंड फ्यू. देखिए द फ्यू, अ फ्यू एंड फ्यू में और द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल में कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस सिर्फ इतना है क्या, वो किया जाता है आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले और ये होता है आपका काउंटेबल नाउन से पहले. जैसे द फ्यू का प्रयोग जो कुछ है थोड़ा सा या सबका सब बताने के लिए, जैसा हमने पहले ही पढ़ा था. बट यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है. जैसे आई हैव रेड द फ्यू बुक्स. आई हैड, इसका मतलब क्या है? जितनी भी किताबें मेरे पास थी सबके सब मैंने पढ़ लिया. क्लियर? एक और एग्जांपल, आई हैव गिवन द फ्यू पेन्स आई हैड. जितने भी मेरे पास पेन थे वो सारा मैंने दे दिया. क्लियर? द फ्यू और द लिटिल में डिफरेंस क्या है? वहां पे ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है और यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल. क्लियर? फ्यू का प्रयोग देखिए क्या होता है. फ्यू का प्रयोग भी जैसे मैंने बताया, लिटिल का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ना के बराबर. तो ऐसे ही आपका फ्यू भी होता है, बिल्कुल ना के बराबर. डिफरेंस सिर्फ किसका होता है? नाउन का. जैसे आई रीड फ्यू बुक्स, मतलब कि मुश्किल से ही कुछ किताबें मैं पढ़ता हूँ. क्लियर? अब आपका है क्या? अ फ्यू. अ फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा के रूप में किया जाता है. जो कुछ है मतलब कि थोड़ा सा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं अ फ्यू. जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु आर ऑनेस्ट. मेरे कुछ ही दोस्त ऐसे हैं जो कि ईमानदार हैं. तो अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? काफी कम. ही हैज रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब उसने कुछ किताबें पढ़ ली है. क्लियर? ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, इसके बेस पे हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में एरर्स पूछे जाते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट है आपका होल एंड ऑल. देखिए होल एंड ऑल का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है? पूरा. ठीक है, जैसे आपका मैंने बताया होल का मतलब भी क्या होता है? पूरा. और ऑल का मतलब भी पूरा होता है. बट डिफरेंस क्या है दोनों में वो देखिए. ऑल का प्रयोग सब या सबके अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है. ये चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ये बताया मैंने प्लूरल काउंटेबल. तो आपको जो यहाँ पे स्टूडेंट है ये आपका कौन सा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन. और इसके पहले आपको ऑल यूज करना है. अगर आपने यहाँ पे यूज किया जाता होल तो ये आपका सेंटेंस गलत होता. क्लियर? नेक्स्ट आपका ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, सारा पैसा खर्च कर दिया गया. तो यहाँ पे जो आपका मनी है ये कैसा नाउन है? ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है. तो इससे पहले भी हम ऑल यूज करते हैं. क्लियर? अब देखिए द का प्रयोग समूचा के अर्थ में सिंगुलर नाउन के पहले होता है. सिंगुलर नाउन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. क्लियर? ये आपका पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. सिंगुलर नाउन के पहले द होता है. जैसे द होल पटना, द होल कंट्री. अगर हमने बोला होता क्या यहाँ पे द होल स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्ट्रक्चर गलत होता. यहाँ पे होल की जगह पे हमें क्या लगाना हो तो ऑल. गॉट इट? नेक्स्ट आपका जो रूल है उसे देख लेते हैं. नेक्स्ट है आपका क्या? यूज ऑफ अनसर्टेन एंड सर्टेन. देखिए सर्टेन एंड अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है. जो आपका अनसर्टेन होता है उसका प्रयोग अज्ञात के रूप में होता है. अज्ञात का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट नोन. और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है. जैसे शी मेट अ सर्टेन बॉय यस्टरडे,
वो किसी एक अज्ञात लड़के से कल मिली थी, तो हमने अनसर्टेन लगाया यहाँ पे। जो ये बॉय है ये कैसा नाउन है? ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आपको क्या लगाना है? अनसर्टेन। क्लियर? अब सर्टेन की बात करते हैं, तो सर्टेन का प्रयोग अज्ञात के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, अनसर्टेन होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, और सर्टेन होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे अब यहाँ पे देखिए बॉयज है, ये आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमें अनसर्टेन यूज नहीं करना है, ओनली सर्टेन यूज करना है। सर्टेन बॉयज वर सिंगिंग अ सॉन्ग, सर्टेन स्टूडेंट्स, ये आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। सर्टेन मैन, ये भी आपका स्ट्रक्चर सही है। अगर आपने यहाँ पे एम ई एन लगाया हो तो वहां पे क्या हो जाता? सर्टेन, ना कि अनसर्टेन। गॉट इट? अगर इन रूल्स को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपका कोई भी एरर आपका नहीं छूटेगा, चाहे आपका IBPS हो, PO हो, आपका CGL, CDS, FCAT, CAT, MAT, JET, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सारे कंसेप्ट ले रखे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्या? यूज ऑफ अदर, एन अदर, एनी अदर एंड नो अदर। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं अदर की। अदर का प्रयोग दूसरे के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, जैसे द अदर बॉयज, द अदर हैंड। क्लियर? मतलब कि अदर का मतलब क्या होता है? दूसरे। क्लियर? जैसे दूसरे लड़के या अलग भी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर? काफी सिंपल होता है ये द अदर बॉयज। जैसे मैंने बोला क्या, द अदर गर्ल्स वर डांसिंग। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? अदर, क्योंकि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। नेक्स्ट है आपका क्या? अनदर। अनदर का प्रयोग एक दूसरा और एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एक चीज ध्यान रखना, अनदर का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको हिंदी पता है तो आप इजीली इसे समझ जाएंगे। अनदर का मतलब होता है एक दूसरा। जैसे मैंने बोला क्या, अनदर बुक मतलब एक दूसरी किताब। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आई हैव रेड इकोनॉमिक्स, नाउ आई वॉन्ट अनदर बुक, मतलब मैंने इको तो पढ़ लिया है, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे दूसरी एक किताब चाहिए। क्लियर? तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? उसके लिए हम यूज करेंगे अनदर बुक। क्लियर? आई हैव रेड इकोनॉमिक्स, नाउ आई वॉन्ट अनदर बुक। नेक्स्ट है आपका क्या? एक चीज यहां पे देखिए, पहले नोट एन प्लस अदर, ये आपका होता है क्या? अनदर। इसलिए अनदर के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है यहाँ पे, अनदर के पहले कभी भी हमें एन यूज नहीं करना है। गॉट इट? योर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एनी अदर। एनी अदर क्या होता है? कोई और। एनी अदर को हिंदी में कहा जाता है क्या? कोई और। अब यहां पर देखिए क्या है, एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे शी डज नॉट वॉन्ट एनी अदर पेन, मतलब वो और कोई पेन नहीं चाहती है। क्लियर? या शी डज नॉट वॉन्ट एनी अदर बुक, इसको आपको ध्यान रखना है क्या, एनी अदर का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका क्या, ईच एंड एवरी। अब देखिए ईच एंड एवरी ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इससे को ध्यान रखना क्या, ये कहाँ पर यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे ईच स्टूडेंट हैज पेन, हर एक स्टूडेंट के पास पेन है। क्लियर?
एक और चीज़, अगर ईच के बाद यहाँ पे ऑफ लगाए तो उसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल आएगा, ना कि सिंगुलर। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पेन, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता क्या, ईच ऑफ द बॉय हैज बुक, तो ये आपका स्ट्रक्चर गलत होता, क्योंकि ईच ऑफ द के बाद हमें बॉय नहीं लगाते, यहाँ पे आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन होता, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता, बॉयज। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एवरी। अब एवरी का मतलब देखिए क्या होता है, एवरी का मतलब होता है, एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। ईच तो होता है दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी, बट जो आपका एवरी है ये हमेशा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को डिनोट करता है। जैसे एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, एवरी ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर टू नहीं आएगा, एवरी ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, मतलब जितनी भी लड़कियाँ हैं सारी की सारी क्या है, ब्यूटीफुल है, स्टनिंग है। क्लियर। जैसे मैंने बोला क्या हूँ, एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या है, जितने भी क्लास में लड़के हैं सारे के सारे क्या है, इंटेलिजेंट है। क्लियर। और जैसे ईच ऑफ के बाद हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल, ऐसी सेम हम एवरी ऑफ के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका आइदर और नाइदर, ये आपका इस पार्ट का लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद एक क्लास और लूंगा मैं जिसमें आपका एडजेक्टिव पूरा फिनिश हो जाएगा। रूल क्या है, यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। अब देखिए आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर का प्रयोग दो में से एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे आइदर बुक इज इंटरेस्टिंग, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मान लीजिए दो किताबें हैं, अब आइदर का मतलब क्या है, दो में से कोई एक किताब क्या है, इंटरेस्टिंग है, चाहे तो ये हो सकती है चाहे ये भी हो सकती है, मतलब दोनों में से कोई एक होगी। क्लियर। आइदर ऑफ के बाद जैसे ईच ऑफ के बाद, एवरी ऑफ के बाद प्लूरल होता है, ऐसे यहाँ पे भी आइदर ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो आइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, मतलब कि जितने पेन है उसमें से दोनों पेन में से एक पेन क्या है, ब्लैक है। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कि जो आपका आइदर ऑफ है इसके बाद आपको क्या लगाना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ना कि सिंगुलर, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्लियर। ये पार्ट आपका यहाँ पे फिनिश होता है, इससे आगे एक कंसेप्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर जो स्टूडेंट्स हमारा ये पार्ट देख रही है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे पहले वाले पार्ट्स भी देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।